बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टोटल में क्या प्रॉब्लम आती है हमारे साथ अगर इस तरह की कंडीशन है जो मैं आज बता रहा हूँ, तो उसको सॉल्व किस तरह से किया जाएगा पहले देख लें। अब जैसे हमारे पास इस तरह कॉलम्स के अंदर रिकॉर्ड आ रहे हैं, कुछ सेल्स से परफॉर्मेंस या फिर सेल्स रिकॉर्ड है उनका, कि ग्रुप के हवाले से हमने डिवाइड किए हुए एम्प्लॉइज़, और फर्स्ट ग्रुप में इन चार को रखा हुआ है हमने। तो ग्रुप वन का जो यहाँ पे टोटल सेल्स रिकॉर्ड है वो चाहिए हमें, वो मंथ वाइज से या क्वार्टर वाइज से आपका अपडेट हुआ हुआ है या एंट्री हुई हुई है, उस तरह से आपको उनका टोटल चाहिए। फिर सेकेंड ग्रुप स्टार्ट है यहाँ से, ग्रुप टू में ये चार लोग हैं और इन्होंने इतनी सेल्स करी है, ठीक है जी। जैसे मुख्तलिफ कंपनीज में मुख्तलिफ टास्क होते हैं उनको एम्प्लॉइज़ को टारगेट दिया जाता है कि इस टारगेट को पूरा करना है और उनकी क्या सेल्स रिकॉर्ड आ रहा है, वो ग्रुप वाइज हमने यहाँ पर रिकॉर्ड रखा हुआ है। तो उनका रिकॉर्ड चेक करने के लिए कि किस एम्प्लॉय का क्या रिकॉर्ड है, ग्रुप फोर भी आ रहा है यहाँ पे, तो ग्रुप फोर की मैं मैनुअल एंट्री कर लेता हूँ इनकी, 6000 8000, ठीक है जी। तो इस तरह का कोई भी रिकॉर्ड है वो आप अपडेट रखना चाह रहे हैं, और फिर ग्रुप वाइज उनका टोटल चाहिए। अब इसमें प्रॉब्लम क्या आएगी, ग्रुप वाइज टोटल हमें चाहिए, ठीक है जी। तो प्रॉब्लम ये आएगी जहाँ ग्रुप आ रहा है उसके साथ ही उनका टोटल हो जाए, फिर नेक्स्ट ग्रुप का जहाँ एंड हो रहा है वहाँ पे उसका टोटल। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, अगर हम डायरेक्ट बात करें तो हमें यहाँ पर राइट क्लिक से इंसर्ट ड्रॉ करनी पड़ेगी, और फिर यहाँ पर क्लिक करके होम में जाएंगे, सम फार्मूला अप्लाई करेंगे अल्टर इक्वल, तो ये टोटल होगा। लेकिन ये अगर मैनुअल करें तो बहुत बड़ा अगर डेटा है हमारे पास, तरह की कंडीशन बेस्ड है, तो हम हर दफ़ा कहाँ कहाँ चेक करके उसकी एक रॉ ऐड करेंगे और टोटल करते रहेंगे। तो इसका आसान तरीका जो है वो क्या होगा, अब ये देखेंगे हम इस वीडियो के अंदर, ठीक है जी। टॉपिक समझ में आ गया होगा, अब सॉल्व किस तरह से करना है ये देखते हैं। सबसे पहले जो फर्स्ट कॉलम आ रहा है, ठीक है जी, जो हमने ग्रुप वाइज रखा हुआ, आपका कोई भी इसमें टारगेट हो सकता है, टीम हो सकती है, डिपार्ट हो सकता है, मंथ हो सकते हैं, ठीक है जी। आपको करना है क्या, सिलेक्ट, और यहाँ एक ऑप्शन मिलता है फाइंड एंड सिलेक्ट होम मेन्यू के अंदर, इसके लिए आप कंट्रोल F5 भी कर सकते हैं या फिर कंट्रोल जी, ठीक है। कंट्रोल जी करेंगे इस ऑप्शन में स्पेशल आएगा, इसके अंदर जाना है हमें, और यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ होगा कमेंट के अंदर आपको कॉन्स्टेंट्स, ठीक है जी। गो टू स्पेशल के लिए गए हम कंट्रोल जी, और इसमें फिर हम जाएंगे स्पेशल, गो टू स्पेशल सॉरी, ठीक है जी। या फिर यहाँ से भी जा सकते हैं गो टू स्पेशल, और फिर यहाँ पर हम जाएंगे कॉन्स्टेंट। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पर सिलेक्ट हुई हुई होनी चाहिए रेंज, ठीक है जी। यहाँ से आप सिलेक्ट करेंगे इस रेंज को, और फिर उसके बाद इसको यूज़ करेंगे गो टू स्पेशल, ठीक है जी। इसी कॉन्स्टेंट्स क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास जहाँ पर नाम टैक्स मिलेगा कॉन्स्टेंट उस कॉलम में, और जहाँ ब्लैंक है वो छोड़ के टैक्स वाले सेल सेलेक्ट हो जाएंगे। बस अब हमें यहाँ ये करना है, जहाँ पर सिलेक्शन बनी हुई उससे ऊपर हमें एक रो चाहिए, तो कहीं भी जहाँ सिलेक्शन बनी हुई आ रही है उधर राइट क्लिक करें और इंसर्ट। लेकिन ये स्टेप गलत हो गया, क्योंकि मैंने राइट क्लिक किया तो सिलेक्शन हट गई। तो ये काम हम शॉर्टकट की से करेंगे, इसको मैं कंट्रोल जेड कर रहा हूँ बैक, और इसको मैं दोबारा से सिलेक्ट कर रहा हूँ ऑल कॉलम, ठीक है जी। तो दोबारा से इसी ऑप्शन में जाएंगे गो टू स्पेशल कॉन्स्टेंट, और इस दफ़ा हम शॉर्टकट की से करेंगे कंट्रोल शिफ्ट प्लस। अब ये ऑप्शन आता है इंसर्ट, इधर हमें इंटायर रो ऐड करनी है, तो यहाँ पर आ जाएगा इंटायर रो सिलेक्ट क्लिक और ओके, ठीक है जी। अब देखें हर नाम से पहले रो ब्लैंक हमें मिल गई है, यहाँ पे स्क्रॉल करके चेक कर लेते हैं इस तरह से। और अब हमें ये वाला जो कॉलम है उसके एंड में जहाँ ब्लैंक इंसर्ट करिए रो हमने सेल के अंदर टोटल करना है। तो अब हमारे पास दूसरी प्रॉब्लम के इसको सिलेक्ट किस तरह से करें, मैनुअल जाहिर है एक सिलेक्ट करेंगे कंट्रोल, दूसरा सिलेक्ट भी कंट्रोल, तीसरा टाइम लग जाएगा, तो इसको पूरा सिलेक्ट करें, ठीक है जी। एंड सेल तक जहाँ टोटल करना है, सिलेक्ट के बाद दोबारा इसी में जाएंगे गो टू स्पेशल, इस ऑप्शन में आपको दिया हुआ था ब्लैंक, ब्लैंक चेक करके ओके कर लें। तो यहाँ जो एक सेल आपने ऐड करें उनका टोटल आ जाएगा। अब इसमें आपको क्या करना है, सम डायरेक्ट ऑल्टर क्लिक, ठीक है जी। अगर सबसे लास्ट वाला सेल सिलेक्ट ना भी हो, शॉर्टकट की ऑल्टर इक्वल कर लें ऑटो सम, टोटल आ गया। अगर लास्ट वाला सिलेक्ट ना हो तो कंट्रोल दबा के सिलेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है जी। तो लास्ट वाला कंट्रोल के साथ क्लिक कर लीजिएगा, बाकी जो बहुत ज़्यादा अगर बीच बीच में सेल है वो इस तरह ब्लैंक हो जाएंगे। अगर लास्ट वाला नहीं भी सिलेक्ट हो तो आप फिर इसको कंट्रोल के साथ क्लिक कर लीजिएगा टोटल क्लिक करने से पहले, या मैनुअल फिर जहाँ से टोटल करना है वो सेल सिलेक्ट।
तो इस तरह हर उसका टोटल देखें, जो जो सेक्शन बने हुए होंगे सेक्शन वाइज डबल क्लिक करके चेक करें, तो ग्रुप वाइज जो हमने टोटल बनाए वो हमारे पास आ जाएंगे। F2 ठीक है जी, इसी तरह इसको भी करना है सिलेक्ट। मैं जा रहा हूँ हर टोटल के साथ जो है वो टोटल लिखा हुआ है, तो यहाँ पर आप फाइंड एंड स्पेशल में गो टू स्पेशल और यहाँ पर ब्लैंक क्लिक, और यहाँ पर अब जैसे यहाँ पर एंड वाला अगर सिलेक्ट नहीं हुआ हो गया है ठीक है जी, अगर बास टाइम हो जाता है, बास टाइम नहीं होता, अभी देखें हुआ हुआ आ रहा है, तो यहाँ पर आप सिर्फ अब टोटल लिख दें। और इंटर, तो कंट्रोल जेड किया है मैंने, सिर्फ इंटर से देखें एक सेल में लिखा हुआ आ रहा है, ये टैक्स की कंडीशन है, तो इसलिए मैंने बताया है इसमें, अगर आपको हर सेल में जितने सिलेक्ट हैं सबमिट टैक्स लिखा हुआ भी सेम चाहिए तो कंट्रोल इंटर होता है, सिंपल इंटर नहीं होगा ठीक है जी। अब देखें सबमिट टोटल लिखा हुआ आ गया, और इसका फॉर्मेट भी दे सकते हैं, बोल्ड करना है बोल्ड वगैरह, अलाइनमेंट वगैरह अपने हिसाब से ठीक है जी। अब एक और कंडीशन, अगर हमने फार्मूला अप्लाई कर दिया और अब हमें इस फार्मूले वाले सेल सेलेक्ट करना है, चेंज करना है मैक्सिमम एवरेज काउंट, फार्मूला चेंज करना है, फॉर्मेटिंग करनी है, तो फार्मूला हमने इस सेल में लगाया क्लिक एक सेल, फिर दूसरा यहाँ पे लगाया दूसरा सेल, लेकिन अप्लाई करने के बाद अब सिलेक्ट किस तरह से होंगे, फिर हमें क्या मैनुअल करना पड़ेगा तब, लेकिन गो टू स्पेशल ऑप्शन बड़ा ज़बरदस्त ऑप्शन है जो अक्सर लोगों को नहीं पता होता, तो ये वीडियो मैंने आज की इसीलिए बनाई है ताकि इसके बारे में आपको अवेयरनेस आए, और इस ऑप्शन को यूज़ करते हुए जो मैनुअल मुश्किल मुश्किल तरीन काम होते हैं वो किस तरह से बहुत आसान आसान तरीके से हो जाते हैं, तो उसके लिए ये मैंने टॉपिक अपलोड किया है, और उम्मीद करता हूँ कि सीखने को आपको मिल रहा होगा, हेल्पफुल रही हो रही है वीडियो आपकी, तो इसको वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक भी करना है और सोशल मीडिया पर अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना है ताकि वो भी सीख सकें और इस ऑप्शन से फ़ायदा हासिल कर सकें ठीक है जी। और भी यानी जो क्लासेस हैं उनको अपडेट मिलती रहे, आप अपनी तरफ से काम करें, बाकी वो देखें ना देखें वो उनके, आपका जो है वो शेयर करना है, आप शेयर करें लाजमी ठीक है जी। अब हमें अगर इंटर करने के बाद दोबारा फार्मूले वाले सेल सेलेक्ट करने हैं, तो इसके लिए फिर गो टू स्पेशल ऑप्शन में जाएंगे, जहाँ पे हमने पहले कॉन्स्टेंट फर्स्ट टाइम किया था, अब हम कर देंगे यहाँ फार्मूलाज। अच्छा मैंने अब देखें जैसे ओके किया, जहाँ जहाँ फार्मूले वाले सेल होंगे वो इंटायर उसने सेलेक्ट करके दिखा दिया हमें। अब इसी तरह यही फॉर्मेट हमें टैक्स फॉर्मेट या टोटल की तरह बोल्ड करना चाह रहे हैं, इसको बोल्ड कर लें, यहाँ से सेल कलर करना है, यहाँ से सेल कलर कर लें, जो भी टोटल फॉर्मेट करेंगे जहाँ जहाँ फार्मूले वाले सेल हैं वो हाईलाइट करके आप इस तरह से दिखा सकते हैं कि यहाँ यहाँ फंक्शन हमारा टोटल का या जो भी आपने यूज़ किया हुआ है वो अप्लाई हुआ हुआ है यहाँ पे। नेक्स्ट एक और कंडीशन हो सकती है कि ग्रुप वाइज हमें सिर्फ टोटल ही देखना है, तो हम इसको ग्रुप में डाल सकते हैं, यानी सिर्फ हर ग्रुप का सिर्फ टोटल आए ठीक है जी, बाकी का रिकॉर्ड जो है वो हमारे पास शो ना हो, तो इसको इस तरह से भी आप ग्रुप को टोटल कर सकते हैं कि यहाँ से आप सिलेक्ट करें इसको, और सिलेक्ट करने के बाद डाटा मेन्यू में यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन होता है ग्रुप, ग्रुप हमें करना है रो वाइज ओके, तो अब यहाँ प्लस सिर्फ टोटल आ रहे हैं सबके, इस तरह से आप प्लस माइनस से इसको ग्रुप को दिखा सकते हैं, और क्लियर करना है तो अनग्रुप क्लियर आउटलाइन करेंगे तो ये लाइंस जो होंगी वो क्लियर हो जाएंगी। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आई लाइक करें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, शेयर, इस्लाम को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।